नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की और देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेटें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के जलस्तर का किया जलस्तर निरीक्षण और दिए कई बड़े निर्देश। आप जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जगह घूम रहे हैं, खेत खलिहान का हाल चाल ले रहे हैं, नदी के जलस्तर को देख रहे हैं, रोपनी कितना परसेंट हुआ है, अकाल का क्या स्थिति है, जमीनी स्तर की खुद निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन गया में भी उन्होंने भ्रमण किया। फल्गु में साल भर रहेगा 3 फीट पानी। उन्होंने कहा कि घाट, मंदिर, वेदी, तालाब और पूरे शहर की साफ सफाई को बेहतर रखें, बिजली की निर्बाध आपूर्ति रखें, जो पशु शहर के अंदर विचरण कर रहे हैं उन्हें गौशाला में रखने की व्यवस्था करें, सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की भी बातें बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है। और इधर तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को ADM ने पीटा, खास जांच का आदेश दिया गया है और यह काफ़ी प्रवर्तापूर्ण कार्रवाई बताई जा रही है। चारों तरफ से इस पर निंदा किया जा रहा है। वहीं बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने जांच का आदेश भी दिया है। और इधर आपको बता दें, औरंगाबाद में रिश्वत लेते सहायक अभियंता गिरफ्तार, कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। निगरानी की टीम ने 40,000 रिश्वत लेते दबोचा, हाजिरी नियमित करने के लिए JEE से ले रहे थे घूस। आपको बता दें, औरंगाबाद जिला स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कनीय अभियंता से अनुपस्थिति विवरणी भेजने के नाम पर 40,000 रुपये घूस लेते हुए सहायक अभियंता सीताराम सहनी को निगरानी ने सोमवार को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यरत रोहतास के मऊवरी गांव के विजय कुमार ने 16 अगस्त को निगरानी थाने में इसका शिकायत की थी। और दूसरी ओर पंचायत को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इधर है कि सलैया मुखिया, औरंगाबाद के सलैया के मुखिया और व आवास सहायक पर प्राथमिकी होगी, वायरल वीडियो के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने भी की थी इसकी शिकायत। आपको बता दें कि औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के सलैया पंचायत के मुखिया मनोज चौधरी और आवास सहायक मोहम्मद शहजाद आलम पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, इस आशय को निर्देश दिया गया है। कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुखिया और आवास सहायक के द्वारा पैसे लेन देन को लेकर बातचीत की जा रही थी। आवास सहायक मोहम्मद शहजाद आलम के द्वारा यह कहा जा रहा था कि उनके मुखिया यानी उनके बने मुखिया के बारे में चर्चा है कि पूर्व के आवास सहायक ने उन्हें पैसे दिए हैं। इसी क्रम में मुखिया ने स्वीकार किया कि आवास योजना से उन्हें 30,000 रुपये मिले हैं। और दूसरी बात बता दें कि औरंगाबाद से ही ये खबर है कि पीड़ितों ने वीडियो को पहचानने से किया इनकार, जांच करने की कही गई बात पैसे लेने का लगाया आरोप, सूची में नाम नहीं होने से आवास से वंचित लोग कलेक्ट्रेट के पास में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड की एरौरा पंचायत के एक दर्जन से अधिक लोग सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट पहुँचे। वे DRDA निर्देशक बाल मुकुंद प्रसाद से मिले और जानबूझकर सूची से नाम काटने का आरोप भी लगाया। गांव निवासी धर्मेंद्र भुइया, महेश भुइया, प्रमोद भुइया, संजू देवी, देवंती कुंवर, विजयंती देवी, सुरेश मेहता आदि ने कहा कि आवास योजना की सूची में उन लोगों का नाम था लेकिन उन्हें अब तक लाभ नहीं मिल सका है। आपको बता दें, पक्का मकान होने के बावजूद लाभ देने पर होगी अब जांच। अगर किसी को पक्का मकान है और आप उसको लाभ दे रहे हैं तो कार्रवाई आप पर तय है। आपको बता दें, दूसरी खबर आ रही है चिरौत से, नल जल में गमन का आरोप में वार्ड सदस्य गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि स्थानीय थाना पुलिस ने सरकारी राशि गमन के आरोप में एक पूर्व वार्ड सदस्य को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। चेरौत पूर्वी पंचायत के वार्ड 5 के पूर्व वार्ड सदस्य बैजी मंडल को सरकारी राशि गबन के आरोप में स्थानीय थाना पुलिस ने
उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूर्व वार्ड सदस्य की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही राशि निकालकर काम नहीं करने वाले वार्ड सदस्यों एवं वार्ड सचिवों की बेचैनी बढ़ गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उक्त वार्ड सदस्य के साथ ही उक्त वार्ड के वार्ड सचिव द्वारा नवीन कुमार मिश्र एवं जयंत कुमार झा के विरुद्ध पंचायत सचिव रामेश्वर ठाकुर द्वारा नल जल योजना के तहत आवंटित 17 लाख राशि निकाल लेने के बाद भी कार्य नहीं करने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया था, जिसके आलोक में थाना कांड संख्या दर्ज की गई है। गिरफ्तार वार्ड सदस्य को न्यायिक हिरासत में दिया गया है। तो इस तरह के गबन के आरोप भी अब लगना शुरू हो गया है। इधर हम आपको बता दें कि बिहारी मजदूरों के नाम पर करोड़ों की कंपनियां दिल्ली कोलकाता में मजदूरों के आधार व पैन का गलत कर रहे हैं इस्तेमाल। इस सेल कंपनियों को केंद्रीय जीएसटी ने भेजा है नोटिस। 90% से ज़्यादा फर्जी कंपनियां दिल्ली या कोलकाता में रजिस्टर्ड है। फर्जीवाड़ा का यह माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र के मेघौना निवासी गिरीश यादव करते तो हैं मजदूरी का काम, लेकिन हाल में उनके नाम पर केंद्रीय जीएसटी मुकदमा की तरफ से 37.5 लाख जुर्माने का नोटिस आ गया है। यह नोटिस महकमे की राजस्थान की पाली यूनिट से आया है। नोटिस आने के बाद गिरीश को पता चला कि उनके नाम से एक कंपनी भी चल रही है, जिसमें करोड़ों के टैक्स की हेराफेरी की गई है। तो इस प्रकार से हेराफेरी हो रहा है, कैसे कोई बचेगा, ये फ्रॉड का काम चल रहा है। हरियाली बचाने को आदिवासियों का लॉकडाउन। आपको बता दें कि 400 वर्ष से पुरानी इस प्रथा को वरना पर्व के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि प्रकृति की रक्षा करने और हरियाली बचाने के लिए आदिवासी 48 घंटे का ग्रीन लॉकडाउन लगाते हैं। 400 वर्ष पुरानी यह प्रथा वरना पर्व के नाम से प्रचलित है। इस बार वरना पर्व 30 अगस्त से 22 सितंबर के बीच मनाया जाएगा। इसके लिए तपावार यानी मोहल्लेवार तैयारी शुरू कर दी गई है। इधर सरकार को अस्थिर करना चाहती है भाजपा, अस्थिर करना चाहती है भाजपा, यानी कहना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य परवीन कुशवाहा ने भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इधर संज्ञान लेने पर सीएम का आभार कांग्रेस ने जताया है। राजधानी के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे टीएटी एसटीएटी पास अभ्यर्थियों पर हुई कार लाठीचार्ज की घटना पर सरकार की ओर से संज्ञान लिए जाने पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। कहा है कि छात्रों को अधिकारियों द्वारा पीटा जाना दुखद घटना है, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर लिपिकों की काउंसलिंग कल होगी। मोदी सरकार फिर बिहार के विकास को तत्पर, बताया जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार बिहार के विकास के लिए हमेशा तैयार है, वह बिहार से किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। इधर सीएम ने पूजा कर शांति एवं समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन गया पहुंचे और पितृपक्ष मेला 2022 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सबसे पहले विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। इधर विजय इस्तीफा दिया, बहुमत से हटे, कल नहीं मिलेगा नया अध्यक्ष। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के जांच के दिए गए हैं आदेश। और महिलाओं को 35% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, कोर्ट ने पूछा है बीपीएससी के मामला में। इधर बीपीएससी परीक्षा में महिलाओं को 35% आरक्षण नहीं दिए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आयोग को 1 सप्ताह के भीतर लागू करने तथा सहायक अभियंता बहाली के लिए प्रकाशित मूल विज्ञापन को आवश्यक शुद्धि पत्र जारी करने को कोर्ट आदेश को लागू करने को भी जवाब मांगा है। इधर दिल्ली से बस के जरिए बिहार आ रहे थे हथियार। सरगना ने हाल ही में आरा जिले के माफियाओं को 6 राइफल पहुंचाई। पुलिस अब तक 7 को गिरफ्तार कर 2251 कारतूस भी बरामद किया है। इधर बिहार की बिजली कंपनियों का प्रदर्शन पिछले साल से इस साल रहा खराब। और इधर फल्गु की अगर बात कर ले तो फल्गु में साल भर रहेगा 3 फीट की पानी, यह मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। सभी जिलों को प्रशासन गठित करने का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक में नगर निकाय चुनाव की घोषणा सितंबर में हो सकती है, अक्टूबर में चुनाव के आसार भी बताए जा रहे हैं। चेहरे से अब हो जाएगी पहचान कि कौन वोटर कहां का है। इधर शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश में के अमल पर रोक, दुष्कर्म का मामला और सिकंजा, भारत में हमले की साजिश रचने वाले को दबोचा और
सीटें न भरने पर स्माइल अप का मौका मिलेगा। और इधर हम आपको बता दें कि सूखे से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था संकट में पड़ती दिख रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा का खर्च केंद्र उठाएगा। भाजपा ने आप तोड़ने पर सीएम का पद देने की पेशकश की। सिसोदिया ने यह बातें कही है। वोटर सूची में गैर स्थानीय लोग मौजूद नहीं, फारूक का कहना है। और यूक्रेन ने बर्बाद हुए रूसी टैंकों को परेड निकाली। संकट ग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन यूरिया की मदद। और दुनिया भर के छात्रों की पढ़ाई का केंद्र बनेगा अब भारत। तैयारी तेज हो गई है। पुलिस की अश्वेत से बर्बरता, तीन हुए निलंबित। अमेरिका से यह खबर निकलकर सामने आई है। और चीन की सुखी नदी में मिली 600 वर्ष पुरानी बुद्ध की प्रतिमा। फिल्म निर्माता गफ्फार नाडियावाला का निधन। और इधर मशहूर गायिका नायरा नूर सुपुत्र ये खाक। और अध्ययन मस्ती की चोट में जान का जोखिम, भाप लेगी अब प्रोटीन। तो यह थी आज की खास खबरें जो आपको जानना जरूरी था। कैमरे के पीछे है आशीष रंजन, मैं आपके साथ सुनील बॉबी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।